Hi friends, today we are going to do lesson 7 towards a new world, standard 12th GSEB. This is a speech delivered by Charlie Chaplin at the end of the film The Great Dictator. The speech tells us how a selfless leader should view the world. The speech starts, I am sorry, but main koi emperor banna nahi chahta. Wo mera business nahi hai. Main kisi ko rule karna ya conquer karna, yani jeetna bhi nahi chahta. अगर हो सके तो मैं सबकी मदद करना चाहूँगा, फिर वो ज्यूज़ हो, जेंटाइल हो, ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो. ज्यूज़ एंड जेंटाइल एक तरह की कम्युनिटी है. हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही है, एक दूसरे की खुशी में हमें खुशी मिलती है एंड ना कि एक दूसरे के मिजरी में, पेन में या अनहैप्पीनेस में. हम एक दूसरे को हेट एंड डिस्पाइज करना नहीं चाहते. डिस्पाइज करना यानी निंदा करना, नफरत करना. ये दुनिया में हर एक के लिए जगह है एंड हमारी ये धरती इतनी रिच है कि वो सभी को पाल सकती है. हमारी लाइफ फ्री एंड ब्यूटीफुल हो सकती है, बट हम हमारा रास्ता खो चुके हैं, भूल चुके हैं. लालच ने हमारी आत्मा को जैसे पॉइजन्ड कर दिया है, हेट ने जैसे हमें जकड़ लिया है. बैरिकेडेड यानी ऑब्स्ट्रक्ट या रुकावट एंड हमें मिजरी एंड ब्लडशेड की तरफ मोड़ दिया है. मिजरी यानी अनहैप्पीनेस, ग्रिफ या कष्ट. गूस स्टेप इज अ स्पेशल मार्चिंग स्टेप परफॉर्म्ड ऑन अ फॉर्मल मिलिट्री परेड. जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि कैसे विदाउट बेंडिंग द नी परेड करते हैं, दैट इज गूस स्टेप परेड. सो ग्रीड ने हमारे सोल्स को पॉइजन्ड किया है, हमें एक दूसरे को हेट करने के लिए मजबूर किया है एंड हमें मिजरी एंड ब्लडशेड की तरफ लेके गया है. हमने स्पीड तो डेवलप कर ली है पर अपने आप को जैसे जकड़ के रख दिया है. वी हैव नॉट मूव्ड विद द स्पीड. हमारा थिंकिंग हमने वाइड नहीं किया है. हमारा थिंकिंग तो अभी भी लिमिटेड ही है. हियर शट वन सेल्फ इन इज अ फ्रेज विच मीन्स टू एनक्लोज वन सेल्फ. मशीनरी हमें बहुत कुछ देती है पर इसकी वजह से हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं होती है. हमारे नॉलेज ने हमें सिनिकल बना दिया है. सिनिकल यानी निंदा करना या अ पर्सन हु डिस्ट्रस्ट ह्यूमन. एंड द ऑपोजिट ऑफ सिनिकल इज होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक. सो हमारे नॉलेज ने हमें सिनिकल बना दिया है एंड हमारे क्लेवरनेस ने हमें हार्ड एंड अनकाइंड बना दिया है. हम सोचते बहुत ज़्यादा एंड फील बहुत कम करते हैं, महसूस बहुत कम करते हैं. मशीनरी से ज़्यादा हमें ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है. हमें क्लेवरनेस से ज़्यादा काइंडनेस एंड जेंटलनेस की ज़रूरत है. ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, जेंटलनेस, इन सब क्वालिटीज़ के बगैर हमारी लाइफ एकदम वायलेंट हो जाएगी एंड हम सब कुछ खो देंगे. एरोप्लेन एंड रेडियो, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से हम एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ गए. इन सब इन्वेंशंस का मतलब ही ये था कि हम दूसरों की अच्छाई देखकर उससे इन्फ्लुएंस होके अच्छा काम करें. यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाए एंड सब एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहे. अभी भी मेरी आवाज़ मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच रही होगी जो इन्वेंशंस की वजह से है. मेरी आवाज़ पूरे वर्ल्ड में हर किसी को पहुँच रही है. डिस्पेयरिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को पहुंच रही है जो इस सिस्टम के यानी इन्वेंशन के विक्टिम है. ऐसे सिस्टम जिसने मैन को टॉर्चर किया है एंड इनोसेंट लोगों को इम्प्रिजन किया है, कैद कर लिया है. मीनिंग ऑफ डिस्पेयर इज पेन, निराशा, एंड द ऑपोजिट इज प्लेजर या जॉय. जो लोग मुझे सुन सकते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि डू नॉट डिस्पेयर, निराश मत होना. Now, here Chaplin is trying to be optimistic. So, he says that ये जो misery है, ये जो unhappiness and grief हमारे ऊपर आया है, वो एक दिन चला जाएगा. जिन लोगों को human progress से डर लगता है, उनका bitterness भी एक दिन चला जाएगा. लोगों में जो एक दूसरे के लिए नफरत है, it will pass. Dictators are those who try to control the country by force. For example, Hitler. So, dictator
विल ऑल्सो डाई, एंड जो पावर उन लोगों ने इनोसेंट पीपल के पास से छीन लिया था, दैट पावर विल रिटर्न टू द पीपल. एंड जब तक इंसान जिंदा है, लिबर्टी विल नेवर पेरिश. लिबर्टी यानी फ्रीडम, एंड पेरिश यानी टू डाई, या खत्म होना, सड़ जाना. एंड द ऑपोजिट ऑफ पेरिश इज बिल्ड या ग्रो. यहाँ अब वे सोल्जर्स को मैसेज देते हैं कि खुद को इन ब्रूट्स के हवाले मत करना, इन मॉन्स्टर्स के हवाले मत करना. ऑपोजिट ऑफ ब्रूट इज जेंटल या माइल्ड. ऐसे लोग जो तुम्हें डिस्पाइज करते हैं, हेट या डिसलाइक करते हैं, एंड तुम्हें एनस्लेव करना चाहते हैं, तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, ऑपोजिट ऑफ एनस्लेव इज लिबरेट या रिलीज. जो तुम्हारी लाइफ को रेजिमेंट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑपोजिट ऑफ रेजिमेंट इज डिसऑर्डर. जो तुम्हें ऑर्डर करे कि तुम्हें क्या करना है, क्या सोचना है, एंड क्या फील करना है. जो तुम्हें कंटिन्यूअसली ड्रिल करे. टू ड्रिल समवन मीन्स टू फोर्स यू टू डू समथिंग कंटिन्यूअसली. तुम्हें डाइट करवाए, कैटल यानी पशु की तरह ट्रीट करे, एंड तुम्हें कैनन फॉडर की तरह ट्रीट करे. कैनन यानी तोप, एंड फॉडर यानी चारा. सो चैपलिन सोल्जर्स को एडवाइस देते हैं कि अपने आप को इन ब्रूट्स के हवाले मत करना, जो तुम्हें हेट करते हैं एंड तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, जो तुम्हें ऑर्डर करे कि तुम्हें क्या करना एंड सोचना एंड फील करना है, जो तुम्हें ड्रिल करे, डाइट करवाए, तुम्हें जानवर की तरह ट्रीट करे, एंड तुम्हें जब मर्जी हो तोप के सामने खड़ा कर दे. ऐसे ब्रूट्स के आगे कभी भी हार ना मानना. यहाँ वे मैन को अननेचुरल मैन कहते हैं, क्योंकि इन लोगों में फीलिंग्स नहीं है. ये लोग मशीन की तरह काम करते हैं. उनका माइंड एंड हार्ट मशीन का है. इसलिए चैपलिन सोल्जर्स को ऐसे अननेचुरल मैन के हवाले अपने आप को ना करे ऐसा कहते हैं, क्योंकि तुम ना ही मशीन हो एंड ना ही कैटल. यू आर मैन. तुम्हारे दिल में अभी भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिंदा है. यू डोंट हेट. जो अनलव्ड होते हैं, जिसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ वे लोग हेट करते हैं. एंड जो हेटर्स है, डिक्टेटर्स है, दे आर अनलव्ड एंड अननेचुरल. सोल्जर्स, स्लेवरी के लिए मत फाइट करो, बट फाइट फॉर लिबर्टी, फाइट फॉर फ्रीडम. हियर स्लेवरी एंड लिबर्टी बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. सेंट ल्यूक के 17 चैप्टर में लिखा है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन मैन. भगवान हमको इंसान के अंदर ही मिलेंगे, मंदिर में या किसी जगह पे नहीं. भगवान हमें किसी एक इंसान में नहीं मिलेंगे, एंड ना ही ग्रुप ऑफ मैन में, बट वो तो हमें हर एक इंसान के अंदर ही मिलेंगे. आगे में कहते हैं कि यू पीपल हैव द पावर. तुम्हारे पास पावर है मशीन्स बनाने की. तुम्हारे पास पावर है हैप्पीनेस क्रिएट करने की. तुम्हारे पास पावर है लाइफ को फ्री एंड ब्यूटीफुल बनाने की. एंड तुम्हारे ही पास पावर है कि अपनी लाइफ को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर में कन्वर्ट करो. सो डेमोक्रेसी के नाम पर लेट अस यूज दैट पावर. लेट अस ऑल यूनाइट. यहाँ अब वे हमें एक फाइटर बनने की एडवाइस देते हैं. लेट अस फाइट एक नई दुनिया के लिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा डिसेंट वर्ल्ड जहाँ हमें चांस मिले टू वर्क. एक ऐसी दुनिया जहाँ यंग जनरेशन को अपना फ्यूचर दिखाई दे एंड ओल्ड को सिक्योरिटी. ऐसे ही सब प्रॉमिस कर करके ये ब्रूट्स जो थे वे पावर में आए थे, पर वे झूठे हैं. वे अपना प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं करते एंड ना ही कभी करेंगे. डिक्टेटर्स जो होते हैं वे खुद को तो फ्री कर लेते हैं, बट हमें फ्री करने के बजाय हमें एनस्लेव कर देते हैं, गुलाम बना देते हैं. इन दिस पैराग्राफ ही वॉन्ट्स अस टू बिल्ड अ फ्री वर्ल्ड. जो प्रॉमिस हमें उन डिक्टेटर्स ने, उन ब्रूट्स ने किए थे, लेट अस फाइट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस. वर्ल्ड को इन लोगों से फ्री करने के लिए फाइट करें. कोई नेशनल बैरियर्स ना हो, रुकावट ना हो, ग्रीड ना हो, एंड हेट एंड इंटॉलरेंस ना हो. लेट अस फाइट फॉर अ वर्ल्ड ऑफ फॉर रीजन. एक ऐसी दुनिया जहां साइंस एंड प्रोग्रेस हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए. सोल्जर्स, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, लेट अस ऑल यूनाइट. दिस इज द एंड ऑफ द लेसन.
Towards a New World is a speech delivered by Chaplin in his film The Great Dictator. In the speech, he warns people to overcome fear. He also advises us to be aware and don't let the dictators rule you. Don't be imprisoned by the inventions. Don't be greedy. We need kindness and gentleness to unite the world. But he is also very optimistic in his speech that science will bring progress for people and it will bring happiness to them. Thank you.